नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों बात करें कर्जा माफी को लेकर, आज सुबह सुबह की ताज़ा रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं नवभारत टाइम्स की जो सुबह सुबह की रिपोर्ट है उसके बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश राजस्थान के राजकोष के हालात को देखकर कृषि कर्ज माफी के लिए गुंजाइश बहुत ही कम है। तो दोस्तों पूरी ये न्यूज पढ़ने के बाद में आपको कुछ अंदाजा हो जाएगा आपके कर्ज माफी के लिए। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों में नव निर्वाचित कांग्रेस सरकार ने भले ही किसानों की कर्ज माफी की तो घोषणा कर दी हो, पर एक रिपोर्ट के मुताबिक तीनों ही राज्यों की जो राजकोष की हालात है उसको देखते हुए कर्ज माफी की गुंजाइश बहुत ही कम है। के रेटिंग की एक रिपोर्ट में कहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसानों की कर्ज माफी का कुल आकार लगभग 62,000 करोड़ रुपए है, जबकि तीनों राज्यों के राजकोष के हालात को देखते हुए इतनी गुंजाइश नहीं है। एजेंसी का कहना है कि मध्य प्रदेश की राजकोषीय स्थिति के अनुसार उसके पास केवल 3100 करोड़ रुपए, राजस्थान के पास 3095 करोड़ रुपए और छत्तीसगढ़ के पास 1195 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बोझ उठाने की गुंजाइश है। दोस्तों बढ़ते हैं कर्ज माफी की दूसरी न्यूज की तरफ। कृषि कर्ज माफी योजना को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने पीएम मोदी से किए सवाल। पूर्व प्रधानमंत्री एसडी देवगौड़ा ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कर्नाटक सरकार के कृषि ऋण माफी योजना की आलोचना करने के लिए प्रहार किया और नोटबंदी तथा राम मंदिर के मुद्दे पर उनसे सवाल पूछे। देवगौड़ा ने ट्वीट किया, कर्नाटक के फसल ऋण माफ योजना पर मैंने नरेंद्र मोदी के कटाक्ष वाले बयान को देखा है। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी 60,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे धन पहुंचा चुका है। दोस्तों पढ़ते हैं तीन नंबर बड़ी खबर। शिवानी मंडी अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा क्षेत्र के किसानों की कर्ज माफी को लेकर एक दिन का धरना दिया। तोसा मंडी से लेकर तहसील परिसर पर प्रदर्शन किया किसानों ने। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नाराबाजी की। किसान सभा द्वारा नई वर्ष पर किए गए प्रदर्शन व धरने के बाद किसानों ने फैसला किया है कि अगर 14 जनवरी तक किसानों की मांगें पूरी नहीं की गई तो 15 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगे। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। चार सब कमेटियां का गठबंधन, किसानों की कर्ज माफी और संवाद कर्मियों के मामलों को देखेगी ये चारों कमेटी। राजस्थान सरकार की ओर से घोषणाओं को क्रियान्वयन करने के लिए मंत्रियों की चार कमेटियां बनाई गई है। ये कमेटियां किसानों की कर्ज माफी, संवाद कर्मियों के मुद्दे और पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के अंतिम 6 माह में किए गए कामकाज की समीक्षा के साथ राज्यपाल के अभिभाषण के मसले को भी देखेगी। किसान कर्ज माफी के लिए गठित की गई इस कमेटी के आधा दर्जन कैबिनेट और राज्य मंत्री शामिल किए गए हैं। ऊर्जा मंत्री, जलदाय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, उद्योग मंत्री प्रसादी लाल, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोडासरा, सहकारिता राज्य मंत्री उदयलाल आंजना और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया को शामिल किया गया है। इस कमेटी में ACS विद सहकारिता प्रमुख सचिव के भी शामिल किए गए हैं। यह कमेटी किसानों की पात्रता तय करेगी कौन कौन से किसान कर्ज माफी के लिए दायरे में आएंगे। बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। कर्ज माफी में भेदभाव बर्दाश्त नहीं होगा। किसानों की कर्ज मुक्ति से कांग्रेस सरकार के बाद कथित वादा खिलाफी को लेकर भारतीय किसान संघ की रानीवाड़ा शाखा ने प्रमुख अशोक गहलोत के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा है। जोधपुर सभाग अध्यक्ष सोमाराम चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ कराने के वादे के साथ सत्ता में आई। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस डिफॉल्टर किसानों का कर्ज माफ कर रही है, जबकि साहूकार किसानों का कर्ज माफ करने में मुकर रही है। किसानों के साथ भेदभाव होने से किसान ठगासा महसूस कर रहे हैं। रानीवाड़ा तहसील के अध्यक्ष राणा सिंह देवल ने कहा है कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ किया जाए। किसानों के भेदभाव होने पर किसान संघ किसानों के साथ जुड़कर किसानों के साथ सड़क पर उतर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष हरी सिंह देवल, बाबूलाल चौधरी, श्रेणीदान चारण सहित कई किसान नेता हाजिर थे। तो दोस्तों ये थी आज की 5 कर्जा माफी को लेकर बड़ी खबरें, और जैसे ही कोई नया अपडेट आता है हम आपको यहाँ पे अपडेट कर देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। आने वाली वीडियो देखने के लिए घंटे के निशान को जरूर दबा दे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।